गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पढ़ेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में है, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर पहले किसका निकालना होगा, तो सिंपल क्यूबिक सेल का या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। बेटा कोई भी एक एटम रहा, उसके नियरेस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आते होंगे उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे यहां पे मैं आपको समझा के बताता हूं, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लिया, मान लो। अब ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इस तरीके से होता है आपका, यानी मेटल के अंदर एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे, तो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता या सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता। अब आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मान लो कोई भी एक ले लो एटम, ये वाला। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी सिंपल क्यूबिक सेल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। अब ये वाले एटम के नियरेस्ट में कितने एटम्स है वो बताओ। अब देखो बेटा, यहां से यहां तक जाओगे तो ए डिस्टेंस पे ये एटम मिलेगा, यहां से ए डिस्टेंस पे जाओगे तो ये वाला एटम भी मिलेगा, बट ये वाला जो एटम है वो कितने डिस्टेंस पे है, रूट टू ए, तो ये तो ज्यादा हो गया डिस्टेंस। अगर ये वाला एटम ले तो ये कहां पर है, रूट थ्री टाइम्स ए। सो कभी भी क्यूब में साइड की लेंथ लेते हैं हम लोग ए, तो ये वाला डायगोनल बनता आपका रूट टू ए, तो ये वाला बनता आपका रूट थ्री ए। तो यहां पे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो ये वाला है नियरेस्ट, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ नियरेस्ट एटम्स लेना है। नियरेस्ट एटम्स में ये एक आ गया, ये एक आ गया, दो आ गया। अब इसके आगे भी एक क्यूब होगा ऐसा, ठीक है, यहां पे भी एक एटम्स होगा ए डिस्टेंस पर, ये वाला। इसके पीछे भी ऐसे क्यूब रहेंगे, ये ऐसे इस तरीके से, तो यहां पे भी एक एटम होगा जो ए डिस्टेंस पर होगा। सो इसके चारों तरफ वन वन एटम्स आ गए ए डिस्टेंस पर, सो ये हो गए नियरेस्ट एटम्स। इसके अलावा यहां नीचे जाओ आप, तो ए डिस्टेंस पर ये भी एटम मिलेगा, और उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तब और एक एटम मिलेगा ए, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये ऐसा ऊपर की तरफ भी है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ भी होता है, ये पूरा मेटल है आपका ऐसा। सो ये वाले एटम के नियरेस्ट में यानी नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने एटम्स है वो हम निकालने जा रहे थे। सो इस तरफ ए डिस्टेंस पे एक एटम मिला, इस तरफ दो एटम मिले, इस तरफ थर्ड एटम मिला, यहां पे फोर्थ एटम मिला, ऊपर में एक फिफ्थ एटम मिलेगा और नीचे एक सिक्स्थ एटम मिलेगा। तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सिक्स रहेगा, समझ में आया। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, सबसे नेबरर एटम, ठीक है। बाकी जो एटम्स है उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उनको लेना नहीं है। सभी अपने ए डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस वाले सभी नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स काउंट किए और वो हमें मिले सिक्स। तो आपको एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल का। तो बड़ा सिंपल क्यूबिक सेल का या क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, सिक्स। ऐसे हमें अलग अलग चीजों के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्रिस्टल,
ठीक है। अब बीसीसी स्ट्रक्चर कैसा था अपना, बॉडी सेंटर वाला, ये अपना सिंपल क्यूबिक सेल हुआ, यहां पे एटम्स अरेंज रहते हैं ऐसे कॉर्नर पर, तो ये हो गया था अपना सिंपल क्यूबिक सेल। इनके अलावा कुछ मेटल होते हैं जहां जिनमें यहां पर भी एटम्स होते हैं, यानी पूरे क्यूब के सेंटर पे भी एक एक्स्ट्रा एटम रहता, इसे कहते हैं कि बॉडी के सेंटर पे भी एक एक्स्ट्रा एटम है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल क्यूबिक सेल, ठीक है। सो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, यानी ही कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। नाउ अब देखना, इसके लिए आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जितने भी एटम्स हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे इसके लिए। यस, ये सभी एटम इक्वल डिस्टेंस पे आने की वजह से सिंपल आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि इसका हर एक से डिस्टेंस कितना आएगा, रूट 3/2a, क्योंकि ये डायगोनल होता है रूट 3a, ये जो डायगोनल रहता है ना ऐसा, वो रहता है रूट 3 times a, ठीक है। सो उसका आधा डिस्टेंस लेना होगा सीधा सीधा, सो रूट 3a/2। तो ये सभी के सभी 8 एटम्स सेंटर वाले एटम से इक्वल डिस्टेंस पे है, सो इसके लिए नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स कितने आ जाएंगे, 8। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा। नाउ अब हम कहेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। अब ध्यान देना, ये भी थोड़ा समझना अच्छे से, ऐसा पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद सिंपल क्यूबिक में एटम्स ऐसे अरेंज रहते हमारे। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को अगर मुझे फेस सेंटर्ड बनाना है, इनका एफसीसी स्ट्रक्चर यानी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का होता है। एफसीसी स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर्ड, तो ये पूरा फेस हुआ, इस फेस के सेंटर पे भी एक एटम रहेगा ये वाला, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहलाएगा। सो यहां पे कितने फेस होते हैं, जैसा 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक फेस आएगा सामने की तरफ 5, और एक फेस आएगा पीछे की तरफ 6, ऐसे। तो बेटा ये हो गया आपका एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी फेस के भी सेंटर पे एक एटम है, इसके भी फेस पे एक एटम है, ऐसे 6 फेसेस है वहां पर, 6 फेसेस, तो 6 एटम्स आएंगे 6 फेस पे, और कॉर्नर पे रहेंगे 8 एटम्स। क्लियर। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब देखिएगा ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ये कंप्लीट रहता है रूट 2a, सो a बाय रूट 2 आता है, a बाय रूट 2। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर ये a रहा ये a रहा तो ये वाला डिस्टेंस आता है रूट 2a बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये a है ये a है तो ये रूट 2a आएगा, और बेटा रूट 2a का आधा अगर आप कर दो, सो आधा कर दो तो वो कितना हो जाता है, a बाय रूट 2। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, a बाय रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, यानी ये वाले एटम के नियर में कितने एटम्स है। सो यहां से a बाय रूट 2 पे ये भी आ रहा है, a बाय रूट 2 पे ये भी आएगा, a बाय रूट 2 पे ये भी आएगा, और ये भी आएगा। सो यहां पे कितने मिले आपको, 4। इसके अलावा बेटा यहां का जो डिस्टेंस रहेगा ये भी a बाय रूट 2 आएगा, यहां का डिस्टेंस भी a बाय रूट 2 आएगा। कैसे आएगा अगर आप देखना चाहो तो ऐसा ले सकते हो आप, ये a बाय 2, ये a बाय 2, यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड क्या रहती है, a, ऐसा ये पूरा पूरा a, सो आधा कितना हो जाएगा, a बाय 2, कौन सा वाला आधा, ये वाला, ठीक है ना।
और वैसे ये वाला भी आधा कितना हो जाएगा, a बाय टू, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये भी तुमको a बाय रूट टू ही मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर ये वाले जो फेस वाले एटम थे, वन टू थ्री फोर, तो ये चारों के चारों तो a बाय रूट टू पे है ही है, इनके अलावा ये फेस वाला भी आएगा a बाय रूट टू पे, ये फेस वाला भी आएगा a बाय रूट टू पे, और वैसे ही सामने के फेस वाला और पीछे के फेस वाला ये भी उतने ही डिस्टेंस पे आएगा। तो कितने हो गए, ये वन टू थ्री फोर, यहां के ऊपर के उसी के प्लेन के हो गए फोर, और ये फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहां पे आ गए एट। इसके अलावा बेटा ऊपर भी ऐसे ही क्यूब होगा, ये ऐसा क्यूब होगा ऊपर। अब ये जो एटम है ये ऊपर की क्यूब में और नीचे की क्यूब में दोनों में आ रहा है, सो यहां पे एक एटम होगा, यहां पे एक एटम होगा फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर पे, सो ये भी आएगा a बाय रूट टू पे, ये भी आएगा a बाय रूट टू पे, और इसके सामने भी एक एटम होगा यहां पर, और इस फेस के पीछे की तरफ भी एक एटम होगा यहां पर, यस। ये सभी के सभी एटम्स a बाय रूट टू डिस्टेंस पर आएंगे, सो उसके प्लेन में के वन टू थ्री फोर, ये फोर एटम्स आगे उसी के प्लेन में के वन टू थ्री फोर। इसके अलावा ये फेस वाला आ गया फाइव, ये फेस वाला आ गया सिक्स, इसके फेस के सेंटर वाला एटम यहां के, ये सामने वाले फेस का सेंटर वाला एटम सेवन, पीछे के फेस वाला सेंटर वाला एटम एट, इसके ऊपर में यहां पे भी एक फेस सेंटर्ड होगा, यहां पे भी एक फेस सेंटर्ड होगा, तो ये कितना गया नाइन, ये आ गया टेन, और ऊपर में सामने की तरफ एक एटम और पीछे की तरफ एक एटम, यानी इलेवन ट्वेल्व, ये सभी के सभी ट्वेल्व एटम ए बाय रूट टू के डिस्टेंस पे ही आ रहे हैं, बाकी के एटम का डिस्टेंस ज्यादा होगा, सो इससे एकदम क्लोजेस्ट यानी नियरेस्ट डिस्टेंस बोले तो ये आ रहा है, और नियरेस्ट डिस्टेंस पे कितने एटम्स आ गए, ट्वेल्व। सो इसलिए एफसीसी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ट्वेल्व, ये आपका आंसर होगा, समझा बेटा। यहां तक आपने सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले। कोऑर्डिनेशन नंबर और अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं कि जैसे क्यूबिक क्रिस्टल में मेटल के अंदर, क्रिस्टल कहा तो पूरा मेटल, ठीक है ना, मेटल के अंदर कितनी एम्प्टी स्पेस या वाइड स्पेस तैयार होती है, उनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जाता। जैसे अगर एटम्स ऐसे अरेंज है, ठीक है ना, मान लो एटम्स ऐसे अरेंज है, ये पूरा लीनियर में अरेंज है, अब मैंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ये सिर्फ एक रो में एटम्स को अरेंज किया मैंने लीनियरली, और मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताओ, तो बेटा इसका ये वाला एटम नियरेस्ट है और ये वाला एटम नियरेस्ट है, सो इसको सिर्फ दो ही नियरेस्ट एटम्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, टू, समझा। अगर मैंने कहा कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, और वहां पे एम्प्टी स्पेस ये आ रही है, यानी वॉइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस, तो ये वाला एम्प्टी स्पेस या तो वॉइड स्पेस, उसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर टू ही आएंगे, क्योंकि ये वाला एटम जो है वो दूर चला गया, ये और दूर चला गया, ये भी दूर है, ये भी दूर है, सो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स फॉर दिस एम्प्टी स्पेस और वॉइड स्पेस इज टू, तो ये एक वन और ये टू। सो ये हो गया कि अगर आपको लीनियर अरेंजमेंट दिया जाए एटम्स का, और वहां पे जो स्पेस बन रही है एम्प्टी स्पेस, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो वो आएगा टू, क्लियर, ये लीनियर का हो गया। अब ये वन डायमेंशन के बाद मैं टू डायमेंशन लेता हूं, ठीक है ना, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट लेते हैं कि बेटा एटम्स मेटल के अंदर इस तरीके से कुछ अरेंज है, ठीक है ना, ये अपने एटम्स है जो मेटल के अंदर ऐसे अरेंज है,
अब मैंने सिर्फ टू डायमेंशनल लिया यानी एक प्लेन में लिया, तभी मैंने सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बताया था, अब मैंने दो अरेंजमेंट बताए यानी टू डायमेंशनल इन ए प्लेन। अब ये वाला एक एटम ध्यान दो आप, ये सेकंड एटम ध्यान दो और ये थर्ड एटम, मतलब ये 1 2 3 तीनों एटम मिलाने के बाद यहां पे ये एम्प्टी स्पेस बच रही है ट्रायंगुलर, ये ऐसा। सो ये जो ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेस यहां पे आ रही है उसको कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। बेटा ट्रायंगुलर वॉइड के नजदीक में 1 2 और 3 ये तीन एटम आ रहे हैं इसके नियरेस्ट में, ये वाले जो एटम है वो तो दूर है। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स फॉर द ट्रायंगुलर वॉइड इज 3, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। समझ में आया, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट बेटा, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एटम्स हमारे ऐसे अरेंज है फर्स्ट लेयर में, ये पहले लेयर में एटम्स ऐसे अरेंज है, इसके ऊपर हम लोग सेकंड लेयर बनाएंगे। सो एटम की सेकंड लेयर बोले तो ये वाली, इसके ऊपर वाली 1, ये उसके ऊपर वाला सेकंड एटम, ये उसके ऊपर वाला थर्ड एटम, यस। बेटा ये एटम्स पूरे ऐसे अरेंज होंगे, या तो जैसे पहला एटम्स का अरेंजमेंट ले लिया, यहां पे बाद में एटम्स अरेंज हो रहे हैं, ये ऐसे मेटल के अंदर इक्वल साइज के रहेंगे ये, ठीक है ना। अब आप देखना, अगर मैंने ये तीनों एटम्स लिए तो ये तीनों एटम्स मिला के ये ट्रायंगुलर वॉइड बना। अब इसके ऊपर मैं लूंगा थ्री डायमेंशनल, पहले हमने सिर्फ लीनियर लिया था मतलब वन डायमेंशनल, बाद में हमने ये भी लिया टू डायमेंशनल ऐसा प्लेन में। अब हम इसके ऊपर और एटम्स रखेंगे यानी एक के ऊपर एक एटम्स को रखते जाएंगे। सो इसके ऊपर अगर मैं एटम्स को रखूं तो मान लो एक एटम मैंने ऐसा रखा, ये इसके ऊपर रखा, इनके ऊपर और एक एटम को ऐसा रखा और इनके ऊपर एक एटम्स को ऐसा रखा मैंने। सो ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ज्यादा डार्क, ये यानी ऊपर के लेयर के एटम्स, और उनके नीचे के लेयर के एटम्स बोले तो ये वाले ठीक है। तो यहां पे ये डायग्राम ऐसा हुआ कि पीछे वाली लेयर मान लो ये, ठीक है ना, ऐसा ले लेते, और डॉटेड वाले यानी या तो पीछे वाले लो और ये वाले आगे वाले एटम्स लो, या तो कोई भी आप कंसिडर करो कि कोई भी एक तो डार्क वाले पीछे है ऐसा मानो, डॉटेड वाले सामने है, या तो उल्टा ले लो कि डॉटेड वाले पीछे है डार्क वाले सामने है, ऐसा ले लो आप। अब ये जो पहली बार बना था ट्रायंगुलर वॉइड, बेटा जो पहला ट्रायंगुलर वॉइड बना था वो पहले तीन एटम की वजह से बना था, हमने देखा था ये कि ये तीन एटम की वजह से ये ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड के साथ क्या हुआ, जैसे ही एक एटम यहां पर आ गया ये ट्रायंगुलर वॉइड थोड़ा कट गया यहां से, दूसरा एक एटम यहां आ गया ऐसा, थर्ड एटम इसके ऊपर यहां पर आ गया एक ऐसा, तो ये जो वॉइड स्पेस थी ये वॉइड स्पेस कुछ चेंज हो गई, जो पहले ट्रायंगुलर वॉइड था अब वो वॉइड स्पेस कुछ चेंज हो गई। इसे कहते ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, कौन सा वॉइड स्पेस है ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस, यानी ऊपर के तीन एटम पीछे के तीन एटम। सो ये जो वॉइड स्पेस है यानी एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस के नियरेस्ट में कितने एटम आ रहे हैं, तीन ऊपर के और तीन नीचे के, इसलिए ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ये समझ में आया। सो अभी हमने जो वॉइड स्पेस पढ़ा वो कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कैसे बनता है, यहां पर आप और एक बार चेक करो, जब हम नीचे के लेयर के तीन एटम्स लेते हैं, ये थ्री एटम्स पहले लेयर के, तब यहां जो बनती है वो ट्रायंगुलर वॉइड बनती है, ट्रायंगुलर वॉइड स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस,
बट इसके ऊपर हम और एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि एटम्स के ऊपर एटम, एटम्स के ऊपर एटम्स, ऐसे अरेंज हो गए तभी तो मेटल बनेगा ना, क्रिस्टल बनेगा। अब इसके ऊपर का एटम ये ले लिया, दूसरा वाला आपने ये वाला जो एटम लिया तो ये इसके स्पेस को कवर कर लिया, यहां पे दूसरा एटम रखा ये ऐसे, तो इसने यहां की स्पेस कवर कर लिया। ये जो आपका ट्रायंगुलर वॉइड था वो कुछ ना कुछ कम होने लगा, इसके ऊपर और एक ऐसा रख दिया, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड जो थी अब वो वॉइड का क्या हो गया कि पीछे की तरफ तीन एटम और आगे की तरफ तीन एटम, यानी थोड़ी स्पेस ज्यादा क्रिएट हुई लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम दिखेगा, एरिया ऐसा कम दिखेगा लेकिन वो ऐसा लंबा रहेगा, स्पेस जनरेट हो गया अंदर क्योंकि थ्री डायमेंशनल आ गया, अब वो आगे की तरफ स्पेस जनरेट हुई वहां पे। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस। ये कैसे बनती है? पीछे के तीन एटम, सामने के तीन एटम, सो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स इसमें कितने रहते हैं? सिक्स। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा इसका? सिक्स। ठीक है, ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस। ठीक है ना, अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है ना, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? तो जैसे थ्री एटम्स को मिला के ट्रायंगुलर वॉइड बना था, अब अगर एक एटम सीधा इसके ऊपर रख दिया जाए, किसके ऊपर? ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। ठीक है ना, नीचे के तीन एटम्स, पिछले वाले तीन एटम्स ने ट्रायंगुलर वॉइड स्पेस तैयार की थी और बाद में आपने फोर्थ एटम उसी वॉइड स्पेस पे जाके रख दिया, तो अब वहां पे जो स्पेस बनेगी उस स्पेस को टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस कहते हैं। सो टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस कैसे बनती है? तो ऊपर के लेयर के दो थ्री एटम्स ऐसे, एक लेयर के थ्री एटम्स इसमें ट्रायंगुलर वॉइड बनती है, और इसके ऊपर अगर एक एटम रख दिया जाए तो वहां पे जो स्पेस बनेगी वो स्पेस यानी टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस। अब वो जो स्पेस वहां पे बनी होगी वो स्पेस फोर एटम से कवर है, थ्री एटम्स पीछे के और एक उसके ऊपर रख दिया फोर्थ वाला एटम, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? फोर। सो टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस इज कवर्ड बाय फोर नियरेस्ट एटम्स। ठीक है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? फोर। यहां पे और एटम्स होंगे ऐसे, लेकिन ये वाले जो एटम्स है वो कहां पर है? ये दूर है। ठीक है ना, इनके ऊपर होंगे, आगे पीछे होंगे, राइट पे होंगे, लेफ्ट पे होंगे, लेकिन ये सब एटम्स उससे दूर है, सो इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स सिर्फ फोर आ रहा है, ये थ्री और एक सामने वाला, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया अपना? फोर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अब एक लेते हैं क्यूबिकल वॉइड, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्यूबिकल वॉइड। अभी क्यूबिकल वॉइड क्या है? ये सिंपल है बेटा, क्यूबिकल वॉइड कब बनता है? जब ये कॉर्नर पे एटम्स होते हैं ऐसे, ये क्यूब है और ये क्यूब के कॉर्नर पे एटम्स है। अब हम लोग एटम्स ऐसे दिखा रहे हैं छोटे, लेकिन एक्चुअल में ये एटम्स ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे। ठीक है ना, ये इसका पूरा एटम यहां तक रहेगा, ये पूरा एटम ऐसा रहेगा, ये वाला एटम्स ऐसा रहेगा, ये वाला एटम ऐसा रहेगा, सो ये ऊपर के चारों एटम्स ऐसे होंगे, नीचे के भी चारों एटम्स ऐसे रहेंगे, यस। सो ये एटम्स एक दूसरे को टच रहते हैं, जैसे ये वाला एटम इसको टच होगा ऊपर वाला नीचे वाले को, ये ऊपर वाला नीचे वाले के ऐसे टच में आएगा, ये राइट वाला एटम लेफ्ट वाले के साथ ऐसे टच में आएगा। ठीक है ना, और इनसे ऐसा स्क्वायर बनता है, यस। ठीक है, तो ये पूरे एटम्स ऐसे टच में रहते हैं, तो ऐसे चार एटम पीछे वाले और चार एटम सामने वाले, यानी ये यहां पे जो एम्प्टी स्पेस बनेगी इसे क्यूबिकल वॉइड स्पेस कहते हैं। क्यूबिकल वॉइड स्पेस कहां पर तैयार होती है? एक सिंपल क्यूब, इनके कॉर्नर पे एटम्स, ठीक है ना, ये सिंपल क्यूब हुआ आपका, इनके कॉर्नर पे एटम्स है, और यहां पे ये जब पूरा बड़े साइज के बनाओगे
तब यहां पे एक एम्प्टी स्पेस बचेगी, वो बराबर क्यूबिकल शेप की रहेगी, जिसे क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। अब ये जो क्यूबिकल वॉइड स्पेस तैयार होगी, क्योंकि ये 8 एटम्स एक दूसरे का कनेक्टेड है, तो उनके अंदर जो गैप बनेगी वो यानी क्या, क्यूबिकल वॉइड स्पेस। अब ये क्यूबिकल वॉइड स्पेस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। तो ये वॉइड स्पेस के नियरेस्ट एटम्स कितने आ रहे, पूरे 8, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 8, क्योंकि वॉइड स्पेस यहां पे तैयार होती है सेंटर पे। और ये जो वॉइड स्पेस है इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स बोले तो पूरे 8 आएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्यूबिकल वॉइड इज 8। अब बेटा हम लोग पूरा थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर किस किन किन चीजों का निकाला, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बाद में लीनियर वॉइड, बाद में ट्रायंगुलर वॉइड, बाद में कौन सा लिया बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड बोले तो एम्प्टी स्पेस जो वहां पर तैयार होती है, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस, और बाद में क्यूबिक, क्यूबिक वॉइड स्पेस। ठीक है, इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाले। बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था, 6। ठीक है, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था, 8। एफसीसी में फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 12। लीनियर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था अपना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 2। ट्रायंगुलर में कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था हमारा, ऑक्टाहेड्रल में 6। और क्यूबिकल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था अपना, 8। सो बेटा ये सभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता रहना चाहिए, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, आप वीडियोस को रिपीट करके भी देख सकते हो, आप वापस से जाके वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आने के बाद ये आसानी से याद रहेगा। ये तो लीनियर था, लीनियर था तो लीनियर वॉइड के 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ट्रायंगुलर वॉइड सो ट्रायंगुलर वॉइड 3 एटम से बनती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से बनता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, ऑक्टाहेड्रल में 3 पीछे 3 सामने, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस बनी थी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और क्यूबिकल वॉइड यानी क्या, क्यूब के अंदर जब 8 एटम्स अरेंज रहेंगे कॉर्नर पे, ठीक है ना, तो ये क्यूबिकल वॉइड था। सिंपल क्यूबिक का कितना आया था, 6। बीसीसी का कितना आया था, 8। और आपका एफसीसी का आया था आपका 12। सो ये पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैंने समझा के बताया, ठीक है ना, आप वीडियो को वापस जाके पॉज करके अच्छे से समझ के देखो, क्योंकि ये समझने के बाद ही आपको आसानी से याद रहेगा। क्लियर है बेटा, ओके।